श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कचरा संग्रहण करने वाली ट्रैक्टर टोलियों के किराए और चालकों के वेतन की मांग की। उन्होंने बताया कि वाहनों का किराया और चालकों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने नगर परिषद आयुक्त शिवा चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अविलंब भुगतान करने की मांग की है। कर्मचारी हैं और ताली लगी हुई है, 1 से 65 बार तक के अंदर ताली लगी हुई है। उन ताली वालों का जो 2 महीने का वेतन है अभी तक डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। 3 महीने से वो लोग परेशान हैं, उनके बच्चे वैसे परेशान हैं खाने के लिए। ये लोग कहते भी आप तेल डलवा लो, तेल डलवाने के अंदर उसमें कोई रास्ते और दिक्कत आती नहीं है, इनका काम निकल जाता है। तो हमने पहले 2 बार प्रशासन से मिले हैं, वो कभी हमारे को दिक्कत है, परेशानी आ रही है हमारे, पहले वो पोर्ट सेक्टर उसके बाद देंगे तनख्वाह। तो आज मैंने कमिश्नर मैडम को और कलेक्टर साहब को लिख के दिया है कि भी आप इनकी सैलरी जल्द से जल्द करो। आज जिला कलेक्टर महोदय तथा नगर परिषद आयुक्त को मिलकर ज्ञापन दिया है। शहर के 65 वार्डों में सफाई का कार्य कर रहे ट्रैक्टर ट्राली व ड्राइवरों की जुलाई व अगस्त माह की 2 माह बीतने के बाद भी सैलरी का भुगतान नहीं किया गया है। आज से अधिकारियों से उन ड्राइवरों व ट्रालियों के भुगतान की मांग की गई है। अगर जल्द भुगतान नहीं किया जाता है तो मजबूरन हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन हड़ताल की जाए।